मम्मी दादी देंगे। अच्छा ठीक है, मम्मी एक इस क्वेश्चन। हाँ देखो बेटा, आपका इसमें आपको निकालना है आई क्या कहाँ लाई करेगा। ठीक है, मैन एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, और इंसिडेंस एंगल और इमरजेंस एंगल दे रखा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो आई वन कितना है आपका, आई वन है 60 डिग्री है, और आई टू कितना है आपका, 40 डिग्री है। तो आप ड्रॉ कर लीजिए, आपको फिर देखना है कि मिनिमम डेविएशन वाला जो एंगल है जिस पर आई वन इक्वल्स टू आई टू होता है, यही मतलब है ना इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच लाइट विल डेविएट द लीस्ट, वो किस साइड होगा। तो ये आपका इस तरह का एंगल है प्रिज्म, आपका ये डेल्टा है और ये आई है। तो आपने क्या कह रहा हूँ, यही आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको लोकेट कर दो। 60 इधर 40 इधर तो हो नहीं सकता, ये आप लोगों को भी समझ है इतनी। ये क्या होगा, 40 इधर होगा 60 इधर होगा, ठीक है ना, 40 इधर होगा और 60 इधर होगा। ये तो क्लियर है आपको, जिस तरह से बता रखा है इसने कि आई वन 60 है 40, तो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो देखो ये ग्रेटर देन 40 तो समझ में आ रहा है, पक्का 40 से ज्यादा होगा 60 से कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसने जैसे ये कह रखा है तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही हट गया, 40 से कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। इन दोनों में देखना है, 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी क्लियर है। बी और सी में देखना है हमको, क्या ये 50 से भी कम हो जाता है क्या, ये 50 से कम हो सकता है क्या, 50 मान लो यहाँ तक भी नहीं आ सकता बेटा, ये 50 यहाँ भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 कम किया तो इधर 10 थोड़ी नहीं बढ़ जाएगा, तो आपको इधर कितना बढ़ेगा, इधर जो बढ़ने वाला होगा आपने इसमें से 10 कम किया, ठीक है ना, 10 कम किया तो इधर तो 50 यहाँ पर होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, क्योंकि 10 कम हो के इधर तो कम कम होना चाहिए ना, इधर डिस्टेंस कम होनी चाहिए। मतलब ये आपका एक्स है, ये वाई है, एक्स मस्ट बी लेस देन वाई, ठीक है। तो आप इधर अगर 10 चलोगे, इधर 10 थोड़ी नहीं चलोगे, इधर 10 चलोगे तो इधर तो आपको ज्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका आई कितना आ जाएगा, 40 से 50 डिग्री के बीच में आ जाएगा, 40 से 50 डिग्री के बीच में आ जाएगा। तो आप उसको और तरीके से भी निकाल सकते हो, मैथ से भी देख लो आप इसको एक बार। देखो आपका डेल्टा क्या होता है, आई वन सेकेंड, तो इससे भी निकाल सकते हो, डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए। तो कितना है, आई वन कितना है आपका 60 है, आई टू कितना है 40 है, और -60, तो इस केस में आपका डेविएशन एंगल कितना आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है। तो पक्का मिनिमम डेविएशन इस 40 से तो कम ही होगा ना, अगर आप मैथ इसको बिल्कुल 50 वाला जो आंसर है, 40 तो समझ में आ गया, 50 आप इससे भी निकाल सकते हैं। या आपको डेल्टा कितना, आई वन प्लस आई टू माइनस ए, समझ रहे हो आप, डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए। तो ये क्या लिखा है मैंने, एक्स लेस देन वाई क्यों बोला, यहाँ के लिए लिखा था। तो डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, तो आपने 60 और 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा निकाला 40, तो आप ये गारंटी से कह सकते हैं डेल्टा मिनिमम मस्ट बी लेस देन 40 डिग्री। देखो कोई डाउट तो नहीं किसी को, जब आपने एक बार डेल्टा 40 निकाल लिया है तो मिनिमम डेविएशन तो इससे कम ही होगा ना बेटा। मिनिमम डेविएशन क्या होता है, जब आई वन आई टू बराबर हो जाते हैं, तो आप इसको 2 1 माइनस ए लेस देन 40 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 1 लेस देन 40 डिग्री प्लस प्रिज्म एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। तो आई वन कितना आ गया आपका, 100 अपॉन 2 लेस देन 50 डिग्री, इससे भी निकल आता है मैथ से भी अगर आप करें। कई बार ये टेक्निक भी यूज हो सकती है आपकी किसी सिचुएशन, और प्लॉट से आप देख ही रहे हैं कि डिफरेंस सेम सेम डेल्टा वाई, अब यहाँ पे डेल्टा वाई सेम हो गया ये वाला, तो सेम डेल्टा वाई के लिए इसका डिफरेंस कम होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस 48 कुछ 47 ऐसे कुछ होना चाहिए, इसका मतलब 50 इस साइड ही लाई करेगा, इसका मतलब ये मिनिमम डेविएशन क्या होगा, हमेशा लेस देन 50 डिग्री होगा। ये 40 से 52 इधर नहीं हो सकता, क्योंकि इधर तो फिर ज्यादा बढ़ गया, इधर कम बढ़ा, ऐसा नहीं, इधर कम बढ़ना चाहिए सेम डेल्टा वाई, तो इसलिए 50 इसके इस साइड लाई करेगा। तो पक्का 40 से 50 वाले पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिनिमम डेविएशन होगा, और ये बात आपको थोड़ी सी मैथ लगा के सिंपल फार्मूलों का यूज करते हुए भी पता लग रही है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी मेथड में कोई कंफ्यूजन किसी तरह का तो आप मुझे बताइए।